सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो गाड़ी देख रहे हो ओला, ये है ओला S1 प्रो। और आज हम इससे ब्लॉग बनाने वाले हैं और इसका टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं, इससे ड्रिफ्ट मारने वाले हैं। इससे लोग कहते हैं ड्रिफ्ट नहीं पड़ती, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो इसमें ड्रिफ्ट मार के दिखाएगा, वो उसी की गाड़ी है। तो चलिए उसी दोस्त के पास चलते हैं और आप लोगों को इसकी पावर दिखाते हैं ओला S1 प्रो की। भाई साहब इसका लॉक खोल लें और चलिए चलते हैं खोल खाल के। ये भाई चमक रहा है पूरा का पूरा। बंद कर लेते हैं, उसके पास पहुंच के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। इसकी नॉर्मल मोड में इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं क्या जाती है। फुल करके रखा है मैंने अभी, ये थोड़ा मोड में बहकती है तो आराम से ही अपन यहाँ पे देखेंगे। अगर सीधी रोड होती तो बस भाई 80-81 है नॉर्मल मोड में। और इसका हाइपर मोड आता है, अपन उसको भी चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हो नॉर्मल पे ही है। बहुत ही सेक्सी गाड़ी, बहुत स्मूथ चलती है यार। ये तो पहली बार चला रहा हूँ मैं ओला, मेरे एक सूजल नामक दोस्त की है। चलिए बड़े ही मज़े से चलाएंगे, एंजॉय करेंगे इस गाड़ी का, पूरा टेस्ट लेंगे और आपको एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप ड्रिफ्ट भी मार सकते हो। अगर आपको शौक है ड्रिफ्ट वगैरह मारने का गाड़ियों से, तो मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे होता है। मतलब मेरा दोस्त बता देगा, मैं क्या बता दूंगा, मुझे तो खुद नहीं आता। ये भगवा रंग 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 भाई, मेरा फ़ोन बज रहा है। तो चलिए अपन उस दोस्त के पास पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच के आपको इसका पूरा सारा इंटरफेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। उसी दोस्त का शायद फ़ोन है कि भाई बैटरी कुछ भी हो सकता है। इसमें की वगैरह नहीं लगती, आप जैसा देख सकते हो। इधर माइक का गाना बजा के भी दिखाएंगे आपको। हमारा आता है यार कॉपीराइट ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा एक सेकंड के लिए बजाऊँगा टूटा ऐसे करके। पता नहीं क्या कैसा होने वाला है, बहुत ही मज़ा आता है। मज़ा तो गाड़ी चलाने में आ रहा, लेकिन आप लोग एक भी लाइक नहीं करते हो आजकल तो यार। एक लाइक मेरे खुद से ही रहता है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है मुझे खुद के लाइक से। एवरीवन हम लोग गाना बजाते हुए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है ओला में। ये फीचर बहुत प्यारा है, बाइक करते हुए जाओ स्पीकर लगे दोनों में अच्छे तो। एवरीवन हम लोग ओला के ओनर के पास आ चुके हैं। ये है सुजल और ये है इसकी गाड़ी ओला S1 प्रो। आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, वैसे इसमें बैटमैन का साइन बनवा लिया इसने। तो यहाँ से चार्ज पोर्ट खुलता है भाई ऐसे प्रेस करने पे। और देख सकते हो कितना सेक्सी लुक है इस गाड़ी का, एकदम बहुत ही प्यारी गाड़ी का लुक है। और इसने ये अलॉय में करवा के रखा ना, बहुत अच्छा लगता है। बैटमैन का साइन बना है। तो इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुजल जब से लिए गाड़ी कितनी चला ली है? भाई मैंने चला लिया 8000 किलोमीटर। हाँ। तो कितने का पेट्रोल बचा होगा आप? लगभग 12-15 हज़ार का। 12-15 हज़ार। तो एवरीवन देखो पेट्रोल और बैटरी में बहुत ज़्यादा अंतर है, पावर भी बहुत अच्छी है इसकी। तो भाई इसमें मोड कौन कौन से है? भाई इसमें टोटल 4 मोड है। पहला इको मोड, सेकेंड है। इको मोड में क्या होता है? इको मोड में अपन 40 की स्पीड रहती नॉर्मल, उसमें 170 किलोमीटर की अपन को रेंज मिलती है। और दूसरा? दूसरा नॉर्मल मोड है और उसमें 135 किलोमीटर की रेंज मिलती है और स्पीड 80 तक जाती है, 80 किलोमीटर। तीसरा भी है? तीसरा स्पोर्ट्स है, उसमें 115 किलोमीटर चलती है, 115 मतलब, और 95 किलोमीटर पर आर की स्पीड। उसके ऊपर भी है कोई सा? उसके ऊपर भी है भाई। चार मोड। उसके ऊपर हाइपर मोड है, हाइपर मोड में 95 किलोमीटर की रेंज मिलती है और 115 टॉप स्पीड जाती है। उसके ऊपर कोई सा मोड नहीं? उसके ऊपर नहीं है। तो गाइस इस
इन चारों मोड पे चला के देखने वाले हैं इस गाड़ी को। विदाउट चाबी चलती है भाई, इसमें दो स्पीकर दिए गए हैं, गाना सुनना है तो गाना सुनो, चार्जिंग स्लॉट भी सामने जल्दी वहाँ से हटो, सुनना है तो वो भी सुन सकते हो। तो भाई चार्जिंग स्लॉट भी है, मतलब फुल्ली फीचर्ड गाड़ी है। और चार्ज करना तो यहाँ से कर लो, ऐसे प्रेस करके निकाल दो, और अगर गाड़ी गिरानी है तो गिरा सकते हो। देखो किसने गिरा के इसकी कंट्रोल, थोड़ा डेंट डेंट पड़ गए हैं। और इसकी हेडलाइट बहुत प्यारी है भाई, बहुत सामने से आती हुई गाड़ी लगती है, क्या प्यारे गाड़ी लगती है। लेकिन अभी अपन चारों मोड पे देखने वाले। हाँ, एक स्पेशल फीचर जो कोई नहीं कर पाता बैटरी गाड़ी में, ड्रिफ्ट मारने वाला, तो इसने पता नहीं एक ट्रिक निकाली। हाँ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हाँ भाई, तो कैसे आइए बता। हाओ हाओ मैं आपको करके मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई ड्रिफ्ट मारेगा ओला से। तेरी आगे का टायर स्लिप हो रहा है। अरे वाह यार, मत मार भाई, तो ये एक ट्रिक है, कैसे किया कोई नहीं मार पाता भाई। इसमें दोनों ब्रेक में सेंसर दिए हुए हैं, जिससे गाड़ी अनलॉक अनलॉक होती है। मैंने अगले ब्रेक का सेंसर हटा चुका है, मैं अगला ब्रेक प्रेस करके रखता हूँ तो आगे वाला टायर रुकता है, पीछे वाला टायर चलता है, ड्रिफ्ट पड़ती है, उससे सेंसर हटा दिया मतलब। तब इसके चारों मोड अपन चेक करने वाले हैं एवरीवन, और देख सकते हो टायर टायर तो पूरे नए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए इसका चारों मोड से टेस्ट करते हैं, और सुजल ने बता दिया है क्या क्या फीचर्स है। आगे बढ़ जाएगी ये देखो वीली पड़ जाएगी इससे। अरे चलो चलते हैं भैया, इधर से इको पे आ गए, तो अपन इको पे देखते हैं। ये वाली बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो मोड चेंज होते रहते हैं, है ना। लॉन्ग प्रेस करोगे तो इको मोड आएगा, और एक बार प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे किलोमीटर्स भी बढ़ गए हैं इको पे। और यहाँ से अपन बाहर निकलते से स्पीड टेस्ट करेंगे कितनी जाती है इको में। अब इको मोड में है, हाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये। तो ये इको 40, 43, 40 इतना ही जाएगी। अपने आप डबने लगी है, ये देखो 43, 42 पावर लगेगा। फिर इसको दबा के रखेंगे, ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल पे 80 जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसमें गियर सिस्टम नहीं है ना, थोड़ा सा 60, 64, 65 टर्न है, टर्न में स्लो कर लेते हैं, ना कहीं घुसे पड़े रहेंगे। अभी देखो नॉर्मल हो गई है, अब नॉर्मल पे चलाएंगे, और सीधी रोड दिखेगी तो चलाएंगे, यहाँ तो ढलान है तो अपन घुस सकते हैं। 70, 75 अब इतने में रोक देती है वो, 80 जाएगी मैक्स। अपन ने गुर्दे का जोश लगा के यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर रहे थे, वरना सीधे ही जाते अगर नहीं होता तो। टर्निंग बहुत ख़राब है एवरीवन यहाँ की, तो नॉर्मल मोड में भी अच्छा पावर है, 80 की स्पीड भी कम नहीं होती है। 121 किलोमीटर हो गया है नॉर्मल मोड में, 70, 75, 77 जाती रहती है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ तक में तो हो ही जाएगी शायद। हो गई थी 79 हो गई थी।
तुझे डर लगा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। चेक हो जाए, नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हो ना, पावर तो अच्छा दे रही है भाई। अभी नॉर्मल मोड में पावर दे रही है, अभी तो दो मोड और बचे हैं। कि आशिक के चौदे नहीं मानते ना बहन के लोड़े, कहीं पे भी आ जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल मोड में देखो कितनी जाती है। देखो 80 के ऊपर नहीं जा रही, फुल है, फुल रेस 77-80 ऐसे ही जा रहा है। तो नॉर्मल मोड भी चेक हो गया है एवरीवन, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट, ये नॉर्मल था, अभी अपन डालेंगे स्पोर्ट्स पे। अब स्पोर्ट्स पे देखते, देखो पिकअप बढ़ गया, माचुर गई। भाई साहब स्पोर्ट्स पे तो गाड़ी फट जाए लोगों की, ये देखो। स्पोर्ट्स भी चेक कर लिया एवरीवन, हमारी गन बड़ी बहुत तेज भी कम हो गया यार इसका अचानक से 95-96 सिर्फ बैटरी। इतनी देर में तो गाड़ियां नहीं जाती यार। ये देखो स्पोर्ट्स का पिकअप दिखाता हूँ, ये सेकंड में 96 सेकंड्स में। सुजल की गाड़ बटे जा रही है नीचे बैठ के, मतलब 96 भाई। अब जो लास्ट मोड बचा है इसके बाद थोड़ा हम आगे करने वाले हैं, बंद करते दो मिनट। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, इसके ऊपर वाले मोड में जाने, अभी स्पोर्ट्स में तो 100 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले मोड में जाने में मेरी खुद गाड़ फट रही है, क्योंकि अभी तो ये देखना बहुत तेज पिकअप ले रही थी। अब ये सीधा रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट्स मोड हाइपर में जाके। तो अभी देखो ये है जीरो, ठीक है। अब 0 to 100 कितनी देर में जाती है अभी देखते हैं। भाई साहब चिच्चा हट जाओ, माँ छुट जाएगी। आगे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ भाई, इधर गड्ढे गुड्ढे हैं तो थोड़ा आराम से। तो देखा आपने कितनी जल्दी पहुँच गई। हाँ नहीं हो पाया भाई यहाँ पे चेक, अभी आगे वाले रोड को करेंगे। एक सीधा है ना वहाँ। सो अब यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सीधी रोड है, तो अपन यहाँ पे चेक करने का ट्राई करेंगे। तो करते हैं, भाई 160 भाई टॉप पहुंच गई 115 के ऊपर, घंटा नहीं जाने वाली थी ये। सुजल पीछे चिल्ला रहा है टॉप 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 115 भाई मजा आ गया भाई। कितने सेकंडों में पहुंच गई होगी? 10 सेकंड में मैक्स टू मैक्स लगा हुआ है इसको 115 की स्पीड टच करने में। भाई मजाक नहीं है यार, लेकिन 115। अब अपन नॉर्मल मोड इको कर देते हैं यार, क्योंकि अब गांड फट रही है। नॉर्मल में चली गई, लॉन्ग प्रेस से जाती है शायद इको में। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दे, और भाई ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भाई वो सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि मैं नई वीडियो डालता रहता हूँ और ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी, इसीलिए आप बेल आइकन भी दबा दें और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से कर दें, क्योंकि भाई आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। सो टाटा बाय, सायोनारा।